अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस महानूर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर वन है हमारा कीबोर्डिंग स्किल्स। इस चैप्टर में हमने कीबोर्ड के स्किल्स के बारे में पढ़ना है कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पे कैसे काम किया जाता है, इसकी कीज़ कितनी है, इसकी कीज़ का क्या काम है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो आज लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन कीबोर्डिंग स्किल्स से। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? आंसर है इसका, अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस यूज टू एंटर लेटर्स। जो कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एक डिवाइस है जो इस्तेमाल होती है लेटर्स को एंटर करने के लिए। क्या करते हैं हम कीबोर्ड के जरिए? लेटर्स को एंटर कंप्यूटर में। कंप्यूटर कीबोर्ड इज द डिवाइस यूज टू एंटर लेटर्स, नंबर, सिंबल्स बाय प्रेसिंग बटन और कीज। क्या करते हैं हम कंप्यूटर कीबोर्ड एक डिवाइस है जो इस्तेमाल होती है लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को एंटर करने के लिए बाय प्रेसिंग, इसको दबाने से, बटन और कीज को दबाने से हम कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर में लेटर्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होम रो कीज? होम रो कीज, वेयर इज होम रो कीज? होम रो कीज कहाँ होती हैं? आंसर है इसका, द मिडल रो इन द अल्फाबेटिक कीपैड इज कॉल्ड होम रो कीज। जो मिडल रो है हमारी अल्फाबेटिक कीपैड की जो मिडल रो है उसको हम होम रो की कहते हैं। आपकी जो अल्फाबेटिक कीपैड है उनको थ्री सेक्शन में यानी थ्री ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया है। जो मिडल हमारी जो सेंट्रल लाइन होती है अल्फाबेटिक कीपैड पे उसे हम होम रो की कहते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज सिंबल की? आंसर है इसका, सिंबल की आर फाउंड अबव द अल्फाबेटिक की। जो सिंबल की है वो कहाँ पे होती है? अल्फाबेटिक की के ऊपर। अल्फाबेटिक की आपकी एक है, उसके ऊपर जो की है नंबर की, उसके साथ ही हमारी सिंबल्स की भी होती हैं। अल्फाबेटिक की पैड के जो ऊपर कीज होती हैं वो सिंबल्स की होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज टच टाइपिंग? टच टाइपिंग क्या है? टच मीन होल्ड, टाइपिंग मीन, टाइपिंग को क्या कहते हैं हम? टच टाइपिंग, द वे, आंसर है इसका, द वे ऑफ टाइपिंग यूजिंग ऑल फिंगर्स विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। क्या कहते हैं? द वे इज टाइपिंग using all fingers and without looking keyboard is called touch typing। बगैर देखे सारी fingers का इस्तेमाल करते हुए जो हम काम करते हैं, the way using of all fingers, वो तरीका जिसमें हम बगैर keyboard को देखे अपनी सारी उंगलियों के मदद से टाइप करते हैं उसको हम टच टाइपिंग कहते हैं। टच मीन होल्ड, टाइपिंग मीन टैब। टच का मतलब होता है होल्ड करना और टाइपिंग का मतलब होता है टैप करना। टच टाइपिंग क्या है? द वे ऑफ टाइपिंग यूजिंग ऑल फिंगर्स एंड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the use of स्क्रॉल की? स्क्रॉल की का क्या इस्तेमाल है? आंसर है इसका, स्क्रॉल की आर यूज टू स्क्रॉल और मूव पेज। स्क्रॉल की जो है वो इस्तेमाल होती है स्क्रॉल करने के लिए और मूव करने के लिए पेज को। जब स्क्रॉल की हम प्रेस करते हैं जो हमारा पेज है वो स्क्रॉल करता है और मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इस चैप्टर की हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी करनी है। द अल्फाबेट कीज आर अरेंज इन डैश रो ऑन अ कीबोर्ड। जो अल्फाबेट की है वो कितनी रोज में अरेंज है? थ्री रोज में। नेक्स्ट है, द टॉप रो ऑफ द अल्फाबेटिक की स्टार्ट विद द क्यू कीज। नेक्स्ट है, द
most keyboard have small dash on F and J keys bump. Next है the way of typing using all fingers and without looking at the keyboard is called. ये हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है बगैर अब द वे वो तरीका जिसमें हम अपनी सारी फिंगर्स यूज़ करें और बगैर देखे कीबोर्ड पे को टच करें उसे हम क्या कहते हैं द वे ऑफ टाइपिंग. टाइपिंग की वो तरीका जिसमें हम अपनी सारी फिंगर्स और बगैर कंप्यूटर कीबोर्ड को देखे यूज़ करें उसे हम क्या कहते हैं टच टाइपिंग. द होम रो की हैज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ अदर कीज. जो होम रो की है वो इसलिए यूज़ होती है फाइंड करने के लिए पोजीशन को अदर कीज की. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स द सिंबल्स. हमने क्या करना है आपने सारे लेटर्स पढ़ने हैं सारी वर्ड्स पढ़ने हैं. जो हमारे पास ट्रू सेंटेंस हैं उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स हैं उसके आगे फॉल्स. फर्स्ट है द सिंबल की आर लोकेटेड बिटवीन द अल्फाबेटिक की पैड एंड न्यूमेरिक की पैड. क्या ये ट्रू है द सिंबल की आर लोकेटेड बिटवीन. जो सिंबल की है वो लोकेट होती है बिटवीन द अल्फाबेटिक की पैड एंड नंबर की पैड. ट्रू द एंड की मूव द कर्सर टू एंड ऑफ द पेज. जो एंड की है वो कर्सर को मूव करती है पेज के एंड तक. ट्रू द मेन्यू की इज नेक्स्ट टू द विंडो की टू द राइट ऑफ कीबोर्ड. द मेन्यू की है वो नेक्स्ट करती है विंडो को की टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड. ट्रू ऑलवेज पुट योर फिंगर ऑन द टॉप रो बिफोर टाइपिंग. जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो कहाँ पे करनी चाहिए अपने फिंगर्स को टॉप रो पे. फॉल्स टू राइट ऑफ द टैब की देयर इज अ क्यू की. फॉल्स. नेक्स्ट है आपका ये एमसीक्यूज. आपने इनमें से कोई सी एक जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है. आपने अच्छे से करना है. आपने इसका बुक वर्क भी याद करना है. तो स्टूडेंट होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी. आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है. इस लेक्चर को अच्छे से देखना है. कुछ समझ ना आए या किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है या इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा. स्टूडेंट आपने सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है. स्टूडेंट्स आपके जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो 5 सितंबर से शुरू हो रहे हैं जिसका टाइम जो है वो एक स्पेसिफिक होगा महदूद होगा. उसमें आपने अपना पेपर को कंप्लीट करना है. जो आपका पेपर है वो 25 एमसीक्यूज पे बेस करता है. 25 एमसीक्यूज के टोटल मार्क्स 50 हैं. अगर आपको पेपर्स के मुतलिक कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें या अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप ऑफिस आएँ वहाँ से आके भी रब्ता कर सकते हैं. शुक्रिया.